इसमीम ये स्टूडेंट्स आर्टिकल का हमारा टॉपिक और इसमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नंबर ट्वेंटी सिक्स आज हम देखेंगे ये प्रॉपर नाउन के हवाले से है प्रॉपर नाउन के बारे में हम एक जनरल बात पहले कर चुके हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन हैं जिनके साथ हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं उनमें आज हमारा जो टॉपिक है वो ऐसे कंट्रीज के नेम के जिनके साथ रिपब्लिक यूनाइटेड या किंगडम इन दोनों में से कोई एक या दो नेम आते हों इन इन तीनों नेम्स में से रिपब्लिक यूनाइटेड और किंगडम इन तीनों नेम्स में से कोई एक नाम भी आ जाए दो आ जाए तो भी ठीक है एक एक नाम भी आ जाए तो उसके साथ हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं जैसा कि द आयरिश रिपब्लिक द यूनाइटेड किंगडम और इसी तरह से द पीपल्स रिपब्लिक्स ऑफ चाइना द इस्लामिक रिपब्लिक्स ऑफ पाकिस्तान ठीक है फिर भी द आएगा तो पूरा नाम लेंगे सिर्फ पाकिस्तान कहेंगे तो आर्टिकल द नहीं आएगा लेकिन अगर पूरा नाम लेंगे द इस्लामिक रिपब्लिक्स ऑफ पाकिस्तान तो फिर चूंकि रिपब्लिक का वर्ड आ गया तो इसलिए उसमें द आएगा तो बस ये तीन वर्ड्स का आपने माइंड में रखना है कि अगर ये आ जाए कंट्री के नेम के साथ तो इनके साथ आर्टिकल था लाजमी आएगा दैट्स इट फॉर टुडे अल्लाह हाफिज़